सो गाइस, आज मैं ब्लू बीटल फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो का 10K लाइक भी जल्दी पूरा कर देंगे। इस कहानी की शुरुआत में हम रात का समय देखते हैं, जहां पर एक माइनिंग साइट पर कैमरेड नाम का आदमी माइनिंग करवा रहा था, क्योंकि उसे कई सालों से किसी कीमती चीज की तलाश थी। कैमरेड की बॉडी पर मौजूद चोट के निशान और उसके आर्टिफिशियल हाथ को देखकर हमें पता चलता है कि वो किसी बड़े से गुजर चुका है, जिसकी वजह से वो अब काफी ज्यादा खतरनाक बन गया था। अब अगले ही पल माइनिंग साइट पर कैमरेड की बॉस विक्टोरिया कोड आ जाती है, जो एक अरबपति और कोड कंपनी की सीईओ थी। कैमरेड विक्टोरिया के लिए काम करता था और विक्टोरिया के कहने पर पिछले कई सालों से एक प्राचीन स्केरब की तलाश में था, लेकिन अभी तक वो स्केरब को ढूंढने में कामयाब नहीं हुए थे। कैमरेड विक्टोरिया को बताता है कि उसने फाइनली स्केरब को ढूंढ लिया है, बस उन्हें इस कैरेब को बाहर निकालना है। विक्टोरिया बहुत खुश होती है और कैमरेड को सुबह होने से पहले ही इस कैरेब को बाहर निकालने के लिए ऑर्डर दे देती है। विक्टोरिया के पर्सनल साइंटिस्ट डॉक्टर सेंचेज विक्टोरिया से पूछते हैं कि कहीं इस कैरेब भी पिछले इस कैरेब की तरह नकली तो नहीं। इस पर विक्टोरिया डॉक्टर सेंचेज को बताती है कि वाला इस कैरेब असली है, क्योंकि मैं इसके पावर को फील कर सकती हूँ। इसके बाद हमें इस कैरेब के बारे में बताया जाता है कि इस कैरेब अर्थ से नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के किसी दूसरे ग्रह की एक एलियन टेक्नोलॉजी है, जो ब्रह्मांड में घूमते हुए कई ग्रहों को डिस्ट्रॉय करते अर्थ पर आ गया था। अर्थ पर स्केरब मिस्र के प्राचीन राजाओं को मिला, जिसकी टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने विशाल पिरामिडों का निर्माण किया, और इसी तरह समय के साथ स्केरब अलग अलग लोगों के पास रहा और उन्हें उस सदी के सबसे ताकतवर और मशहूर लोगों की लिस्ट में शामिल होने में मदद की। कुछ लोगों ने स्केरब की टेक्नोलॉजी की मदद से सिटी से क्राइम को खत्म करने और लोगों की मदद करने में की, जिन्हें लोग ब्लू बीटल के नाम से जानते हैं। अगले सीन में हम पाल्मेरा सिटी के एयरपोर्ट पर हाइमेरेज नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कई सालों के बाद अपने लोगों की पढ़ाई पूरी करके वापस अपनी सिटी में आता है, जिसकी वजह से हाइमे के पेरेंट्स उसे लेने के लिए एयरपोर्ट पर आए होते हैं। हाइमे काफी दिनों के बाद अपने पेरेंट्स, ग्रैंड मदर और सिस्टर मिलाग्रो से मिलकर बहुत खुश होता है। कुछ समय बाद हाइमे के अंकल रूडी भी एयरपोर्ट पर हाइमे को लेने के लिए आ जाते हैं। वो सभी रूडी की कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में आकर डिनर करते हैं। खाना खाने के दौरान हाइमे की सिस्टर मिलाग्रो उसे बता देती है कि जल्दी वो सब बेघर होने वाले हैं, क्योंकि उनके घर का मालिक अब 3 गुना ज्यादा किराया मांग रहा था। हाइमे सुनकर पूरी तरह से हैरान था और वो अपनी फैमिली से बोलता है कि तो क्या अब हम डेड के शॉप में रहेंगे। इस पर हाइमे के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि अब उनकी शॉप भी उनके नहीं थी, क्योंकि बिजनेस में हुए नुकसान की वजह से उनकी शॉप अब बिक चुकी थी। और साथ ही इतने दिनों में एक बार हाइमे के डेड को हार्ट अटैक भी आया था। हाइमे सारी बातें सुनकर अपनी फैमिली से पूछता है कि तुम लोगों ने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। इस पर हाइमे के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि हमने तुम्हें इसके बारे में कभी इसलिए नहीं बताया ताकि तुम अच्छे से पढ़ाई कर सको। हाइमे अब समझ चुका था कि उसकी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए उसकी जरूरत थी, इसलिए अगले दिन से वो अपनी सिस्टर मिलाग्रो के साथ कोड कंपनी की सीईओ विक्टोरिया कोड के घर एक सर्वेंट के रूप में काम करने लगता है। काम के दौरान जब हाइमे विक्टोरिया को घर पर कॉनरेड के साथ देखता है, तो एक्साइटमेंट में विक्टोरिया को हाय बोलता है, लेकिन विक्टोरिया हाइमे की तरफ देखती भी नहीं है। जिस पर हाइमे की सिस्टर उसे बताती है कि अमीर लोगों के लिए हम गरीब लोग हमेशा इनविजिबल होते हैं और यही हमारी सुपर पावर है। अब विक्टोरिया जब अपने कमरे में आती है, तो उसे वहाँ पर जेनिफर मिलती है, जो विक्टोरिया को वीडियो दिखाती है जिसमें कोड कंपनी विक्टोरिया के कहने पर ऐसे सुपर वेपन बनाने की तैयारी कर रही थी, जो किसी नॉर्मल इंसान की बॉडी से जुड़कर उसे इतना ताकतवर बना सकते थे कि वो अकेले ही 100 लोगों का मुकाबला कर सकता था। दरअसल जेनिफर के डेड और विक्टोरिया ने साथ मिलकर कोड कंपनी को बनाया था, लेकिन जेनिफर के डेड के मरने के बाद जेनिफर कोड कंपनी में विक्टोरिया की पार्टनर बन गई, और वो ये नहीं चाहती थी कि कोड कंपनी कोई भी ऐसा वेपन बनाए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। इसके बाद जेनिफर विक्टोरिया से कहती है कि इस प्रोजेक्ट को सालों पहले बंद कर दिया गया था, फिर तुम उस प्रोजेक्ट को वापस से शुरू क्यों
होकर रही हो। विक्टोरिया जेनिफर को समझाने की कोशिश करती है कि एडवांस वेपन बनाकर उन्हें हम दूसरे देशों की मिलिट्री को सेल कर सकते हैं, जिससे हमें काफी फायदा होगा। जेनिफर अब विक्टोरिया से पूछती है कि उसे आइलैंड पर माइनिंग करने के दौरान क्या मिला, तो विक्टोरिया जेनिफर के सवाल का कोई जवाब नहीं देती है और कॉनरेड के साथ वहाँ से जाने लगती है। विक्टोरिया को जाते हुए देखकर जेनिफर उससे कहती है कि तुम एडवांस वेपन नहीं बना सकती, क्योंकि हमने सालों पहले इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था। जेनिफर की बात सुनकर विक्टोरिया गुस्से में आ जाती है और वो जेनिफर को बोलती है कि हम नहीं, मैं, क्योंकि इस कंपनी को मैंने बनाया है। तुम्हें तो सिर्फ अपने डेड की पोस्ट मिल गई है, जिसकी वजह से तुम कंपनी के पैसों से चैरिटी करती हो और पूरी दुनिया घूमती हो। विक्टोरिया जेनिफर के डेड और अपने बिजनेस पार्टनर को भी काफी भला बुरा कहती है कि किस प्रकार जेनिफर के डेड ने कंपनी को घाटे में डालकर और विक्टोरिया को अकेला छोड़कर भाग गए, जिसके बाद विक्टोरिया ने अकेले ही कंपनी को संभाला और एक लीडिंग कंपनी बनाया। अब जेनिफर और विक्टोरिया के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाता है। हाय में जो थोड़ा दूर खड़ा ये सब देख रहा था, उसे लगता है कि जेनिफर खतरे में है, इसीलिए विक्टोरिया से जेनिफर के सपोर्ट में पीछे हटने के लिए बोलता है। हाय में के इस हरकत से विक्टोरिया बहुत गुस्सा होती है और वो हाय में को जॉब से निकाल देती है। अब हाय में अपनी सिस्टर के साथ कोर्ट कंपनी के बाहर बैठकर जेनिफर के आने का इंतजार करने लगता है और जब जेनिफर बाहर आती है तो हाय में उसे जॉब के बारे में पूछता है, क्योंकि जेनिफर के सपोर्ट में बोलने की वजह से विक्टोरिया ने उसे और उसकी सिस्टर को जॉब से निकाल दिया था। जेनिफर हाय में को खुद की सपोर्ट करने के लिए थैंक यू बोलती है और उसे अपना नंबर देकर अपने ऑफिस आने के लिए बोलती है, ताकि वो हाय में को जॉब दे सके। जेनिफर का नंबर पाकर हाय में और उसकी सिस्टर बहुत खुश थी, क्योंकि अब उन्हें नई और बेहतर जॉब मिलने वाली थी। रात में हाय में को जब नींद नहीं आती है तो अपने कमरे से निकलकर बाहर आ जाता है, जहां पर वो देखता है कि उसके डैड अकेले बैठकर शराब पी रहे थे। हाय में अपने डैड को बताता है कि उसे बहुत बुरा लग रहा है कि अपने फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और जैसे पढ़ाई करने के बाद भी वो अपनी लाइफ में फेल हो गया हो। हाय में के डैड उसे समझाते हैं कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। अगले दिन हाय में जेनिफर से मिलने के लिए कोर्ट कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है, जहां पर हाय में को छोड़ने के लिए उसके फैमिली मेंबर्स और अंकल रूडी भी आए थे। हाय में अपने फैमिली मेंबर्स को घर वापस जाने के लिए बोलकर हेडक्वार्टर के अंदर आ जाता है जेनिफर से मिलने के लिए। हाय में को कुछ देर वेट करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि हाय में और जेनिफर की मीटिंग पहले से फिक्स नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ कंपनी के अंदर जेनिफर एक साइंटिस्ट का सूट पहनकर सबसे छुपते हुए उस लैब की तरफ बढ़ रही थी, जहां स्कैरब रखा हुआ था। रास्ते में जेनिफर जब डॉक्टर सेंचेज के पास से गुजरती है तो बड़ी चालाकी से डॉक्टर सेंचेज के पास से लैब की चाबी हासिल कर लेती है और लैब का दरवाजा खोलकर लैब के अंदर आ जाती है। लैब में जेनिफर स्कैरब को देखकर पूरी तरह से हैरान थी, और इससे पहले कि डॉक्टर सेंचेज वापस आते जेनिफर स्कैरब को लेकर वहां से निकल जाती है। डॉक्टर सेंचेज जब वापस आते हैं तो लैब में स्कैरब को ना देखकर पूरी तरह से डर जाते हैं और इमरजेंसी अलार्म बजाकर सिक्योरिटी को अलर्ट करते हैं और किसी को भी बिल्डिंग से बाहर ना जाने देने का आदेश देते हैं। जेनिफर स्कैरब को लेकर किसी भी तरह वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन इस दौरान हाइमे जेनिफर को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। जेनिफर हाइमे को समझाने की कोशिश करती है कि वह इस समय काफी जल्दबाजी में है और वो हाइमे से कभी और बात करेगी, लेकिन अब इमरजेंसी अलार्म भी बजने लगे थे, इसीलिए जेनिफर उस बॉस को हाइमे को दे देती है जिसके अंदर उसने स्कैरब को रखा था, और वो हाइमे को उस बॉस को लेकर जल्द से जल्द वहां से जाने के लिए कहती है, और साथ ही हाइमे को वार्निंग भी देती है कि अपनी जान से भी ज्यादा उस बॉस का ध्यान रखे और भूल कर भी उस बॉस को ना खोले। जेनिफर के कहने पर हाइमे स्कैरब को लेकर वहां से निकल जाता है। हाइमे जब उस बॉस को लेकर घर वापस आता है तो उसके फैमिली मेंबर्स उसका मजाक बनाने लगते हैं, क्योंकि हाइमे जेनिफर से मिलकर जो मांगने गया था, लेकिन जेनिफर ने उसे एक मामूली सा बॉक्स देकर घर वापस भेज दिया था। हाइमे के फैमिली मेंबर्स उसे बॉस को खोलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि आखिर उस बॉस के अंदर क्या है। पहले तो हाइमे बॉस खोलने से साफ साफ इनकार कर देता है, क्योंकि जेनिफर ने उसे बॉस खोलने से मना किया था, लेकिन अपने फैमिली मेंबर्स के जिद करने पर वो बॉस को खोल देता है और बॉस के अंदर मौजूद स्कैरब को अपने हाथों में उठा लेता है। स्कैरब को देखकर हाइमे और उसके फैमिली मेंबर्स पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो चीज है क्या। हाइमे के टच करने से स्कैरब एक्टिवेट होना शुरू हो
मजा आता है, जिसे देखकर हाई में बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि स्कैरब एक एडवांस डिवाइस है। अब अचानक से स्कैरब हाई में के हाथों से उछलकर उसके चेहरे में चिपक जाता है, जिसे देखकर हाई में और उसके फैमिली मेंबर्स पूरी तरह से डर जाते हैं। हाई में के अंकल रूडी जब स्कैरब को हाई में के चेहरे से हटाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बिजली का एक जोरदार झटका लगता है, जिससे वो दूर जाकर गिरते हैं। इस समय हाई में के फैमिली मेंबर्स पूरी तरह से डरे हुए थे और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करें। स्कैरब ने हाई में को अपने नए होस्ट के रूप में चुन लिया था, इसीलिए हाई में की बॉडी के अंदर चली जाती है, जिसके बाद हाई में के पीठ से स्कैरब के पंजे बाहर निकलते हैं जो हाई में को कमरे के छत से लटका देते हैं। और फिर इसके बाद एक एक करके हाई में के जूते और सारे कपड़े जल जाते हैं, जिसके बाद स्कैरब हाई में को ब्लू बीटल का एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ सूट पहना देता है और अब हाई में एक ब्लू बीटल सुपर हीरो था। हाई में को स्कैरब और उसके पावर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए अपने बदले हुए रूप को देखकर पूरी तरह से हैरान था। अब स्कैरब के अंदर मौजूद एआई हाई में के साथ जुड़ने के बाद अपनी पावर्स को चेक करना चाहती थी, इसीलिए अगले ही पल हाई में को छत की दीवार तोड़कर उड़ाते हुए अंतरिक्ष में ले आती है, क्योंकि वो सबसे पहले अपने फ्लाइंग पावर को चेक करना चाहती थी। स्पेस में आकर हाई में पूरी तरह से हैरान था और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इस समय स्पेस में है। इसके बाद एआई हाई में को तेजी से नीचे ले आती है, जहां पर वो नीचे गिरने से पहले ही हाई में को हवा में रोककर लैंडिंग पावर को चेक करती है। इसके बाद एआई हाई में को सिटी में काफी तेजी से उड़ाने लगती है, क्योंकि वो इस समय अपने स्पीड पावर को चेक कर रही थी। स्पीड में उड़ने के दौरान हाई में कार के ऊपर गिर जाता है, जिससे कार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन हाई में को बिल्कुल भी चोट नहीं लगती है। हाई में कार के टूटने से कार ओनर से माफी मांगता है, क्योंकि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। हाई में इस समय रोड के बिल्कुल बीच में खड़ा था और सामने से उसकी तरफ तेजी से एक बस आ रही थी। एआई को लगता है कि उसके होस्ट यानी कि हाई में के ऊपर बस हमला कर रही है, इसीलिए हाई में को बचाने के लिए अपने विंग्स को हाई में के आगे कर देती है, जिससे टकराकर बस बिल्कुल बीच में से दो हिस्सों में कट जाती है। लेकिन बस के अंदर मौजूद लोगों को कुछ भी नहीं होता है। ये सब देखकर वहां मौजूद लोग और हाई में खुद पूरी तरह से हैरान थे। इसके बाद एआई हाई में को उड़ाकर उसके घर वापस ले आती है। हाई में के फैमिली मेंबर्स हाई में को लेकर काफी परेशान थे, लेकिन जब वो देखते हैं कि हाई में वापस आ गया है तो वो बहुत खुश होते हैं। अब एआई हाई में के बॉडी के ऊपर से ब्लू बीटल का सूट हटा लेती है, जिससे हाई में पूरी तरह से नेकेड था और अगले ही पल वो बेहोश भी हो जाता है। हाई में के फैमिली मेंबर्स कपड़ों से उसकी बॉडी ढकते हैं। हाई में जब होश में आता है तो अपने फैमिली मेंबर्स को कुछ भी नहीं बताता है और जल्दी से अपने कमरे में आकर कपड़े पहनने लगता है, क्योंकि अब वो जेनिफर के पास उससे मिलने जाना चाहता था, क्योंकि जेनिफर ही उसे स्कैरब के बारे में बता सकती थी। टी शर्ट पहनने के दौरान जब हाई में अपनी पीठ को चीर कर निकले हुए स्कैरब के हिस्से को देखता है तो और भी डर जाता है। हाई में के फैमिली मेंबर्स उसे घर से बाहर नहीं जाने देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं हाई में को कुछ हो ना जाए। हाई में किसी तरह अपने फैमिली मेंबर्स को समझाकर जेनिफर से मिलने के लिए कोर्ट के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि जेनिफर किसी से छुपकर भाग रही थी। हाई में को देखकर जेनिफर जल्दी से हाई में के कार में आकर बैठ जाती है और उसे जल्दी से कार को भगाने के लिए कहती है, क्योंकि विक्टोरिया को पता चल गया था कि जेनिफर ने ही लैब से स्कैरब चुराया है और अब विक्टोरिया के गार्ड जेनिफर को मारना चाहते थे। हाई में जेनिफर के साथ किसी तरह विक्टोरिया के गार्ड से बचकर वहां से निकल जाता है। हाई में जेनिफर को लेकर अपने घर वापस आ जाता है, जहां पर हाई में के अंकल उसके ऊपर गुस्सा होते हैं, क्योंकि जेनिफर से मिलने हाई में अपने अंकल रूडी के कार से आया था, जो विक्टोरिया के गार्ड्स के हमले से कई जगह से टूट गई थी। हाई में के फैमिली मेंबर जेनिफर के ऊपर गुस्सा थे, क्योंकि जेनिफर के दिए बॉस की वजह से ही हाई में की हालत हुई थी। हाई में के डैड सभी को शांत कराते हैं और उन्हें समझाते हैं कि हमने इससे भी कठिन दिन देखे हैं, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुश्किल समय भी बीत जाएगा। जेनिफर जब हाई में से स्कैरब के बारे में पूछती है तो हाई में जेनिफर को बता देता है कि वो इस समय उसकी बॉडी के अंदर है, और साथ ही वो सभी को अपने पीठ पर निकले हुए स्कैरब के हिस्से को भी दिखा देता है। जेनिफर हाई में को बताती है कि स्कैरब ने उसे अपने होश के रूप में चुन लिया है, जो काफी अजीब बात है, क्योंकि स्कैरब जल्द किसी को भी होश के रूप में नहीं चुनती है, और बीते हजारों सालों में उसने कुछ गिने चुने लोगों को ही अपने होश के रूप में चुना है, जिनमें से एक अब हाई में भी है। हाई में जब जेनिफर से स्कैरब
सेरप को अपनी बॉडी से बाहर निकालने के बारे में पूछता है तो जेनिफर हाइमे को बताती है कि इसके बारे में उन्हें उसके डेट के लैब में पहुंचने के बाद ही पता चल सकता है, क्योंकि जेनिफर के डेट अपनी पूरी लाइफ इस सेरप के ऊपर रिसर्च करते रहे। लैब की चाबी इस समय कोड कंपनी की बिल्डिंग में मौजूद थी, इसीलिए चाबी लाने के लिए हाइमे जेनिफर और अपने अंकल रूडी के साथ कोड कंपनी के बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है। हाइमे के अंकल रूडी ने सालों तक रिसर्च करके एक ऐसी डिवाइस बनाई थी जो अपने आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरों को ब्लॉक कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ विक्टोरिया कई देशों के जनरल से स्कैरब के टेक्नोलॉजी से बने वेपन का डील कर रही थी, लेकिन जब कैमरेट विक्टोरिया को आकर बताता है कि स्कैरब चोरी हो गया है तो विक्टोरिया बहुत गुस्सा होती है और कैमरेट को किसी भी तरह जेनिफर को मारकर स्कैरब वापस लाने के लिए बोलती है। अब अंकल रूडी अपने डिवाइस की मदद से कोर्ट बिल्डिंग के सारे सीसीटीवी कैमरों को ब्लॉक कर देते हैं, जिस मौके का फायदा उठाकर हाइमी और जेनिफर बिल्डिंग से चाबी चुराने में कामयाब हो जाते हैं और चाबी लेकर वहां से जाने लगते हैं। अब इससे पहले कि वो दोनों चाबी लेकर वहां से निकलते उनके सामने कैमरेट आ जाता है जो गुस्से में हाइमे पर हमला कर देता है। कैमरेट जैसे हाइमे पर हमला करता है हाइमे के अंदर मौजूद स्कैरब की एआई एक्टिव हो जाती है जो ब्लू बीटल सूट से हाइमे की बॉडी को कवर कर लेती है और हाइमे बड़ी आसानी से कैमरेट के वार को रोक लेता है। हाइमे कैमरेट पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है, लेकिन अब कैमरेट भी अपनी बॉडी में इंस्टॉल टेक्नोलॉजी को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखते ही देखते उसकी बॉडी के ऊपर एक एडवांस टेक्नोलॉजी से बना सूट आ जाता है जो कैमरेट को काफी पावरफुल बना देता है। इसके बाद कैमरेट और हाइमे के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। हाइमे स्कैरब की पावर की मदद से कैमरेट को बड़ी आसानी से डिफीट कर देता है और एआई हाइमे को अपने एडवांस वेपन की मदद से कैमरेट को मारने के लिए कहती है, लेकिन हाइमे ऐसा करने से साफ-साफ मना कर देता है क्योंकि वो कैमरेट को जान से नहीं मारना चाहता था। अब कैमरेट जब देखता है कि रूडी और जेनिफर कार से उनकी तरफ आ रहे हैं तो उनके ऊपर हमला कर देता है। हाइमे जेनिफर और रूडी को बचाने के लिए कैमरेट को छोड़कर उनकी तरफ जाता है तो कैमरेट को एक बार फिर से हाइमे पर हमला करने का मौका मिल जाता है और इस बार वो हाइमे को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। लेकिन इससे पहले कि वो हाइमे को जान से मारता, रूडी और जेनिफर कार से कैमरेट को एक जोरदार टक्कर मारते हैं जिससे कैमरेट दूर जाकर गिरता है और वो हाइमे को अपनी कार में बिठाकर वहां से निकल जाते हैं। जेनिफर चाबी की मदद से लैब का दरवाजा खोलती है और फिर इसके बाद वो हाइमे और रूडी के साथ अपने डेट के लैब में आ जाती है। लैब के अंदर मौजूद एडवांस टेक्नोलॉजी के गैजेट्स और ब्लू बीटल के सूट से इन्हें पता चलता है कि जेनिफर के डेट कोई और नहीं बल्कि उनके सिटी के सुपर हीरो ब्लू बीटल थे। जेनिफर रूडी और हाइमे को बताती है कि उसके डेट ने स्कैरब के ऊपर रिसर्च करके उसे अनलॉक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो स्कैरब को अनलॉक नहीं कर पाए तो उन्होंने अपने एडवांस टेक की मदद से गैजेट्स और ब्लू बीटल सूट बनाया ताकि लोगों की मदद कर सके। जेनिफर रूडी को बताती है कि उसके डेट के कंप्यूटर्स में स्कैरब को किसी इंसानी बॉडी से बाहर निकालने या फिर स्कैरब किसी इंसानी बॉडी पर किस तरह से काम करता है इसका डेटा जरूर होगा। अब रूडी जेनिफर के डेट के कंप्यूटर को अनलॉक करके सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि आईएमए से पहले स्कैरब ने जिस आदमी को अपने होस्ट के रूप में चुना था, जेनिफर के डेड ने उस आदमी के ऊपर रिसर्च किया, जिससे उन्हें पता चला कि स्कैरब को उसके होस्ट की बॉडी से तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक कि उसके होस्ट की डेथ ना हो जाए। हाइमे सुनकर बहुत दुखी होता है क्योंकि अपनी पूरी लाइफ किसी एंड्रॉइड डिवाइस की तरह नहीं गुजारना चाहता था। हाइमे गुस्से में लैब से बाहर चला जाता है। हाइमे को समझाने के लिए उसके अंकल रूडी उसके पीछे जाते हैं जो हाइमे को समझाते हैं कि किस प्रकार उसके डैड ने अपनी पूरी लाइफ अपने फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कर दिया और वो सारे काम किए जिससे अपनी फैमिली को खुश रख सके। रूडी हाइमे को बताते हैं कि उसे शक्ति किसी वजह से मिली है और अगर हाइमे अपने शक्तियों का सही इस्तेमाल करे तो अपनी फैमिली की गरीबी दूर कर सकता है और वो भी एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। हाइमे को अपने अंकल रूडी की बात समझ में आ जाती है और वो स्कैरब के पावर के साथ जीने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि अपनी शक्तियों की मदद से अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकता है। अब वो लोग देखते हैं कि आसमान में एक हेलीकॉप्टर हाइमे के घर की तरफ जा रही है। जेनिफर उस हेलीकॉप्टर को पहचान जाती है कि वो विक्टोरिया की हेलीकॉप्टर है, यानी कि विक्टोरिया के गार्ड्स हाइमे से स्कैरब हासिल करने के लिए उसके घर जा रहे थे। अपने फैमिली को खतरे में देखकर हाइमे ब्लू बीटल में ट्रांसफॉर्म होकर अपने फैमिली को बचाने के लिए निकल पड़ता है। विक्टोरिया के गार्ड्स हाइमे के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके फैमिली
फैमिली मेंबर्स को घर से बाहर निकालकर गन पॉइंट पर हाइमे के बारे में पूछते हैं। हाइमे के पेरेंट्स इस समय पूरी तरह से डरे हुए थे, लेकिन इससे पहले कि विक्टोरिया के गार्ड्स हाइमे के पेरेंट्स को कोई नुकसान पहुंचाते, वहां पर हाइमे आ जाता है जो गार्ड्स पर हमला करके अपने पेरेंट्स को बचा लेता है। अब विक्टोरिया के गार्ड्स हाइमे के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हाइमे का सूट बुलेट प्रूफ था जिससे उसे कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद गार्ड्स जब हाइमे के पेरेंट्स पर हमला करते हैं तो हाइमे अपने विंग्स की मदद से अपने फैमिली को बचा लेता है। इसके रब की आई हाइमे को अपने खतरनाक वेपन से सारे गार्ड्स को जान से मारने के लिए कहती है, लेकिन हाइमे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है और ऐसे वेपन से गार्ड्स पर हमला करता है जिससे उनकी जान न जाए। विक्टोरिया हेलीकॉप्टर में बैठकर ऊपर से ये सब देख रही थी और कैमरेट से अपने खतरनाक वेपन से हाइमे के ऊपर हमला करने के लिए बोलती है। इस केरब की एआई हाइमे को बताती है कि उसके ऊपर हमला होने वाला है, इसीलिए हाइमे भी कैमरेट के ऊपर हमला करने के लिए प्रिपेयर होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हाइमे के डैड जो हाइमे के सिस्टर के साथ वहां से जाने की कोशिश कर रहे थे, अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। अपने डैड को मुसीबत में देखकर हाइमे उन्हें बचाने के लिए उनकी तरफ जाता है, लेकिन इस दौरान कैमरेट हाइमे पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। और अब इस केरब की एआई भी हाइमे की मदद नहीं कर सकती थी, कैमरेट हाइमे को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है और हार्ट अटैक से हाइमे के डैड की डेथ हो जाती है और एक ब्लास्ट के साथ उनका घर भी जल जाता है। हाइमे के डैड की डेथ से उसके फैमिली मेंबर्स बहुत दुखी थे, क्योंकि एक ही बार में उन्होंने सब कुछ खो दिया था। अब जेनिफर हाइमे के फैमिली मेंबर्स को अपने साथ अपने डैड के हेडक्वार्टर में ले जाती है, जहां पर रूडी सालों से बंद पड़े जेनिफर के डैड के शिप को स्टार्ट कर देता है। और अब वो सभी लोग शिप में बैठकर विक्टोरिया को आने और हाइमे को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। जेनिफर के डैड के शिप में बहुत सारे एडवांस वेपन मौजूद थे, जिन्हें हाइमे के फैमिली मेंबर्स अपने पसंद से विक्टोरिया के गार्ड से लड़ने के लिए चुन लेते हैं। और विक्टोरिया ने जिस आइलैंड के किले में हाइमे को रखा था, वो उस किले में बंकर से होते हुए मेन सप्लाई पावर तक पहुंचने का प्लान बनाते हैं, ताकि बिजली की सप्लाई कट करके वो अंधेरे में हाइमे को बचाकर वहां से निकल जाए। वहीं दूसरी तरफ हाइमे को जब होश आता है तो खुद को एक इलेक्ट्रिक मशीन से बंधा हुआ पाता है, क्योंकि विक्टोरिया ने अपने साइंटिस्ट को आदेश दिया था कि हाइमे की बॉडी के अंदर मौजूद इस केरब की पावर को कैमरेट की बॉडी में ट्रांसफर कर दे। जेनिफर हाइमे के फैमिली मेंबर के साथ विक्टोरिया के गार्ड्स के ऊपर हमला कर देती है, जहां पर रूडी बड़ी चालाकी से शिप की एडवांस टेक्नोलॉजी और वेपन की मदद से सारे गार्ड्स को मार गिराता है। और फिर इसके बाद वो सभी टनल में से होते हुए इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्टोरिया के कहने पर साइंटिस्ट हाइमे की पावर कैमरेट के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। जेनिफर जब हाइमे के सिस्टर के साथ गार्ड से बचते हुए इलेक्ट्रिक सप्लाई के रूम में जाती है तो देखती है कि वहां पर विक्टोरिया ने एडवांस डिवाइस का एक पूरा जाल बना रखा था, जिसमें वो हाइमे के बॉडी से निकलने वाली एनर्जी को स्टोर कर रही थी, ताकि स्केरब की पावर की मदद से वो पावरफुल वेपन बना सके। इसके बाद जेनिफर उस पूरे जगह पर बॉम्ब लगाकर वहां से निकल जाती है। अगले सीन में हम हाइमे को देखते हैं, जिसे एक विजन आता है जिसमें अपने डैड से मिलता है। हाइमे अपने डैड से मिलकर बहुत खुश होता है। हाइमे के डैड उसे समझाते हैं कि स्केरब को अपना ले और वो दोनों एक हो जाए, क्योंकि यूनिवर्स ने उसे किसी खास मकसद से चुना है। हाइमे अपने डैड को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन हाइमे के डैड उसके साथ वापस आने से मना कर देते हैं। अब वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है, इसीलिए अपने डैड के कहने पर हाइमे स्पेस में तैर रहे ब्लू बीटल को टच करता है, जिससे स्केरब की एआई पावर और हाइमे एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि स्केरब की पावर पूरी तरह से कैमरेट की बॉडी में ट्रांसफर हो गई थी, जिससे अब कैमरेट पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था और चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। जेनिफर के द्वारा लगाए गए बम ब्लास्ट होने से लैब की पावर सप्लाई कट जाती है, जिस मौके का फायदा उठाकर हाइमे खुद को आजाद कर लेता है। अब इससे पहले कि लैब के अंदर कैमरेट हाइमे को मारता, विक्टोरिया का पर्सनल साइंटिस्ट लैब का दरवाजा खोलकर हाइमे को लैब से बाहर निकाल लेता है और उसे वहां मौजूद अपनी फैमिली को बचाने के लिए बोलकर वहां से जाने के लिए कहता है। साइंटिस्ट ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो समझ चुका था कि अब तक वो विक्टोरिया का साथ देकर गलत कर रहा था। हाइमे अपने फैमिली मेंबर्स के वहां होने के बारे में सुनकर उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ता है। कैमरेट गुस्से में साइंटिस्ट को बहुत ही बुरी मौत मारता है और फिर हाइमे को मारने के लिए निकल पड़ता है। कैमरेट जल्द ही हाइमे तक पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि
टोक्यो हाइमे को जान से मारता। हाइमे किसी तरह बहुत मुश्किल से कैमलेट से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है और भागते भागते वो टनल में एक लोहे के दरवाजे के पास पहुंच जाता है जिसके उस पार जाना इम्पोसिबल था और विक्टोरिया के गार्ड्स लगातार उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। हाइमे इस समय स्केरब की पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था क्योंकि स्केरब की एआई हाइमे को बताती है कि पावर ट्रांसफर होने की वजह से उसे वापस से एक्टिवेट होने में कुछ समय लगेगा। अब इससे पहले कि विक्टोरिया के गार्ड्स हाइमे को जान से मारते, वहां पर हाइमे की ग्रैंड मदर एक बड़े से मशीन गन के साथ आ जाती है जो सारे गार्ड्स को मार गिराती है। हाइमे अपनी ग्रैंड मदर के बदले हुए रूप को देखकर पूरी तरह से हैरान था। हाइमे की ग्रैंड मदर हाइमे को गार्ड से बचाकर सुरक्षित शिप में ले आती है। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर और हाइमे की सिस्टर टनल में ही फंसी हुई थी। विक्टोरिया को टनल के अंदर जेनिफर मिल जाती है जिसे वो बंदी बनाकर अपने साथ ले जाती है। शिप में वापस आकर जब हाइमे को पता चलता है कि जेनिफर और उसकी सिस्टर टनल में ही फंसी हुई है तो उन्हें बचाने के लिए वापस से टनल के अंदर जाने का फैसला करता है। अगले सीन में हम हाइमे की सिस्टर को देखते हैं जो अकेले जेनिफर के डेट के एडवांस गैजेट्स की मदद से विक्टोरिया के गार्ड से लड़ रही थी, लेकिन अब वहां पर हाइमे भी आ जाता है जो गार्ड्स को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। हाइमे अपनी सिस्टर से मिलकर बहुत खुश था, लेकिन तभी वहां पर कैमरेड आ जाता है जो हाइमे पर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ विक्टोरिया जेनिफर को बंदी बनाकर हेलीकॉप्टर में बिठाकर हाइमे और कैमरेड की फाइट देख रही थी। अब जेनिफर मौका देकर अपने डेट के बबल गम वेपन की मदद से हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देती है जिसमें पायलट तो मारा जाता है, लेकिन विक्टोरिया और जेनिफर हेलीकॉप्टर से नीचे गिरने के बावजूद भी बबल गम के विशाल जाल की मदद से बच जाती है। हाइमे और कैमरेड के फाइट के बीच कैमरेड हाइमे पर भारी पड़ रहा था क्योंकि स्केरब की पावर एजो करने के बाद वो पहले से और भी काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था। हाइमे बड़ी बहादुरी से कैमरेड से लड़ता है लेकिन वो कैमरेड के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। अब इससे पहले कि कैमरेड हाइमे को मारता, हाइमे के अंकल रूडी कैमरेड के ऊपर पत्थर से हमला करने लगते हैं जिसकी वजह से कैमरेड हाइमे को छोड़कर रूडी के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। हाइमे को लगता है कि कैमरेड ने उसके अंकल को जान से मार दिया, इसीलिए वो गुस्से में अपनी पूरी पावर से कैमरेड के ऊपर हमला करता है और उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। हाइमे अब कैमरेड को जान से मारना चाहता था लेकिन स्केरब की एआई उसे ऐसा करने से रोक लेती है क्योंकि एआई ने पहले ही एनर्जी ट्रांसफर के दौरान कैमरेड की मेमोरी अनलॉक करके ये पता लगा लिया था कि कैमरेड ने बचपन से ही बहुत दर्द सहा है और एक जंग में जब कैमरेड अपाहिज हो गया और उसके बॉडी पार्ट्स काटने पड़े तो विक्टोरिया ने कैमरेड की सारी यादें मिटाकर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। कैमरेड के बारे में ये सारी बातें पता चलने के बाद हाइमे उसे नहीं मारता है। अब कैमरेड को अपनी पुरानी यादें वापस से याद आने लगती है और उसे लगता है कि जैसे उसकी मॉम उसे बुला रही हो, इसीलिए विक्टोरिया के पास जाकर खुद को ब्लास्ट कर देता है जिससे कैमरेड के साथ ही विक्टोरिया भी मारी जाती है। कैमरेड के खुद को ब्लास्ट करने से वह एक न्यूक्लियर बॉम की तरह एक्सप्लोजन होता है, लेकिन हाइमे जेनिफर के डेट की शिप की मदद से अपने पूरे फैमिली मेंबर और जेनिफर के साथ वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है। हाइमे के अंकल रूडी कैमरेड के हमले से बच गए थे और हाइमे अपने अंकल को जिंदा देखकर बहुत खुश था। अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्टोरिया की डेथ के बाद अब जेनिफर अकेली कोर्ट कंपनी की मालिक थी। वहीं दूसरी तरफ हाइमे का घर जलने के बाद उनके पड़ोसी उनकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं जिससे हाइमे और उसके फैमिली मेंबर्स बहुत खुश होते हैं। कुछ समय बाद वहां पर जेनिफर भी हाइमे से मिलने के लिए आ जाती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। जेनिफर फाइनेंशियली तौर पर हाइमे और उसके फैमिली मेंबर की मदद करने का फैसला करती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर हमें इसके मिड क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है जिसमें हम टेट की लेबोरेटरी को देखते हैं जिसमें एक रिकॉर्डिंग ब्रॉडकास्ट होने लगती है जिसमें पता चलता है कि पहले वाला ब्लू बीटल टेट कोट अभी भी जिंदा है और वह मैसेज अपनी बेटी जेनी कार्ट को देना चाहते थे। इसी के साथ ये मूवी फाइनली यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।